हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के वैज्ञानिकों को जानवरों पर कोरोना के वैक्सीन की जांच में शुरुआती कामयाबी मिली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चूहे पर किए गए प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट के दौरान पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है दवाई का। प्रसिद्ध ब्रिटिश मेडिकल मैगजीन द लेसेंट में इस शुरुआती जांच को प्रकाशित भी किया गया है। तो चूहे पर दवाई का यानी कि वैक्सीन का टेस्ट किया गया है। शुरुआती जो जांच है उसमें काफी अच्छे और पॉजिटिव संदेश मिले हैं। तो इस तरह से ये बड़ी खबर है, अमेरिका से आ रही है। तो लगातार एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे, पहले चूहे में संक्रमण डाला गया, उसके शरीर को संक्रमित किया गया, फिर एंटी कोरोना ड्रग जो बनाई गई है उसके शरीर में डाला गया और जो अब तक परिणाम आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। देखिए इस तरह से कुछ हुआ होगा, एंटी ड्रग कोरोना को किस तरह से चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया होगा और चूहे के शरीर के अंदर से जो बदलाव आ रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसे प्रसिद्ध ब्रिटिश मेडिकल मैगजीन द लैंसेट में प्रकाशित किया गया है और उसमें बताया गया है कि रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव आया है। कुछ इसी तरीके से जैसे हम ग्राफिक्स में आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, इसी तरीके से चूहे को पहले इन्फेक्ट किया गया, उसमें फिर एंटी कोरोना ड्रग डाला गया और रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव यानी सकारात्मक आए। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कम्फर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ है खबरें काम की और कहानियाँ कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एबीपी न्यूज पर।